जो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप सुपर सीटर के ब्लेड देख लीजिए। कर्व में सी टाइप में जो ब्लेड होते हैं वो ऐसे होते हैं भाइयों, ये रोटरी वाले ब्लेड नहीं है, सी टाइप, और इसे कर्व में बोलते हैं, ये वाले ब्लेड हैं ये। तो भाइयों जो हमारी आज की वीडियो है जी अर्जुन नोवो 605 GI भाइयों 57 HP का बेस्ट ट्रैक्टर है ये, मैं इसको बेस्ट मानूंगा। और भाइयों इस ट्रैक्टर पे 8 फुटा सुपर सीटर चल रहा है जी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरी स्पेशलाइजेशन ट्रैक्टर की और सुपर सीटर की, किस तरीके से काम करता है, कितना वजन है और कितना एक घंटे में कितने बुआई कर देगा ये, और ट्रैक्टर कितना तेल लेगा। तो भाइयों शुरू करते हैं। ये सुपर सीटर पे वही ट्रैक्टर कामयाब है जो हाई लो मीडियम में है भाइयों। इस पे हाई लो वाला ट्रैक्टर नहीं चलेगा क्योंकि इसमें क्रीपर गियर चाहिए। क्रीपर गियर का मतलब है कि जो सुपर स्लो मोशन हो, एक तरीके से जो बहुत ही आराम आराम से ट्रैक्टर आगे को चले, इसमें वो गियर कामयाब है। तो भाई फाले आपने इसके रूटा इसके सुपर सीटर के देख ही लिए हैं कि फाले कैसे हैं, सी टाइप फाले हैं इसमें। और भाइयों बिल्कुल ये काम कैसे करता है मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, उससे पहले बता दूं इसे चलाना क्यों पड़ता है। देखो भाइयों ये बिला आग लगाए पुराल पड़ा है और इसके ऊपर गेहूं बोने के लिए सुपर सीडर काम में लाते हैं भाइयों किसान लोग। ये देख लो आप। तो भाइयों इसमें नोवो इतना बढ़िया मैं क्यों कहूंगा, क्योंकि नोवो में फॉरवर्ड 15 गियर है, हाई लो मीडियम में ना नोवो में पूरे 15 गियर है, जिससे कि जो उसका ट्रांसमिशन है वो बहुत अच्छा है। और भाइयों 57 HP का ट्रैक्टर है और जो उसका टॉर्क है भाइयों वो 240 Nm टॉर्क के आसपास ही निकालता है, मुझे पूरा परफेक्ट नहीं पता लेकिन अप्रोक्स 240 है। तो भाइयों ये देखो पीछे से कि किस तरीके से गेहूं बो दिया, बिल्कुल सीक्वेंस में गेहूं बो रहे हैं। पहले हमने वीडियो बनाई थी उसमें क्या था कि रोटरी सीटर था, उसमें जैसे छिट्टा देके बोते हैं हाथ से बुखोर के गेहूं बो देते हैं, उसमें वो वाला सिस्टम था, एक तरफ पुराली है और दूसरी तरफ गेहूं बो दिए जी। भाइयों ये ट्रैक्टर 2 PTO ऑप्शन के साथ आता है, एक तो 16 इकोनॉमी PTO और पावर PTO। भाइयों एक तो 1600 में 540 निकालता है और एक 2200 में 540 निकालता है। तो भाइयों फिलहाल ये चल रहा है ये 2200 में 540 वाला चल रहा है, मैं आपको वैसे ही कह दूं कि इतना ये 1600 वाले पे चल रहा है, 1600 वाले पे नहीं चलेगा। उसकी वजह है, उसकी वजह क्या है भाइयों कि जो इसके रूटामीटर के चक्कर है ना, ये 236 चक्कर है रूटावेटर के, जो इसका ये सुपर सीटर है देखो। ये 236 चक्कर है, 236 चक्कर होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाइयों, ये आम ट्रैक्टर के बस की बात नहीं है। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में इसके ट्रैक्टर के जो ब्लेड रूटा इसके सुपर सीटर के जो ब्लेड थे वो भी दिखा दिए हैं कि वो सी टाइप कर्व में ब्लेड होते हैं, वो दूसरे रूटावेटर वाले ब्लेड से कम भी 2-2 इंच लंबे होते हैं। कहने का मतलब ये कि ज़्यादा कटाई करते हैं और उसके लिए उसे चलाने के लिए ट्रैक्टर भी बड़ा चाहिए। तो भाइयों ये मैंने शुरू में बोल दिया कि ये 7 फीटा सुपर सीडर है, भाइयों ये 8 फीटा सब सीडर सुपर सीडर है और इसका जो वजन है वो 9 क्विंटल 70 किलो इसका वजन है खाली का। और इसमें जैसे गेहूं वगैरह और खाद भी डालते हैं तो भाइयों 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल के आसपास वो आ जाते हैं और 11 क्विंटल के आसपास इसका वजन हो जाता है, देख लो भाइयों आप। एक तरफ बिल्कुल गेहूं बो दिए गए हैं और दूसरी तरफ ये खड़ा है। तो जो ट्रैक्टर की साउंड है वो बिल्कुल ऐसे चल रहा मड़ाई,
एक बार दिखा दो कितने आरपीएम पर ट्रैक्टर चल रहा। भैया 1600 में चला रखा, शायद मुझे लग रहा है 1600 पे ही चल रहा है, ये इकोनॉमी पीटीओ पे ही चल रहा है शायद, जो भाई ने 1600 पे चला रखा है। तो भैया खुद फर्क देख लो आप, ये अगर आप कुराड़ को आग नहीं लगाते तो आपके पास ये इम्प्लीमेंट होना जरूरी है, या तो फिर सुपर सीडर लाना जरूरी है, या फिर आपको मल्चर मारना पड़ेगा, फिर प्लो मारना पड़ेगा, फिर रूटावेटर मारना पड़ेगा, फिर मैड़ा लगेगा, उसके बाद में फिर रूटावेटर लगेगा, फिर एक आधी बार हैरो भी लगेगी, उसके बाद में जुताई होगी। भाइयों इतना कुछ करने के बाद आप जुताई कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास सुपर सीडर का ऑप्शन है तो आप एक बार में ही जुताई कर सकते हो। तो भाई इसकी तेल कंजप्शन की बात कर लेते हैं, फ्यूल कंजप्शन की बात कर लेते हैं। तो भाई पहले मैंने एक स्पेशल एडिशन की वीडियो बनाई थी, उसमें क्या था कि हमने उसमें कहते थे कि 6 लीटर प्रति घंटे का तेल खाएगा, तो भाई वो इससे तेज चल रहा था उस खेत में, वो ऑलरेडी उसमें जुताई हुई हुई थी खेत में, लेकिन इस खेत में सीधा ही हम गेहूँ बो रहे हैं बिना किसी जुताई के। तो अगर वो भी इसी की जगह होता तो कम से कम भी 8-9 लीटर तेल कम से कम लेता, और ये भाई साहब भी यही बता रहे हैं कि 1 घंटे में 8-9 लीटर तेल ले लेगा, और 6 बीघे या 6.5 बीघे गेहूँ बो देगा भाई 1 घंटे में। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। देखो सुपर सीडर इस तरीके से काम करता है, आगे ये शाफ्ट घूम रही है ना ये वाली, ये जहां पे हम गेहूं के दाने आते हैं उसके लिए लकीरी खींचता है जिससे पुराल फंसे ना इसमें। आगे बिल्कुल पुराल पड़ा है, भाई महिंद्रा का बहुत ही बेहतरीन ट्रैक्टर है। भाई नॉन टर्बो ट्रैक्टर है ये, नेचुरल स्प्लिट इंजन है। ट्रैक्टर की हालत कैसी है, तो नीचे जो कपड़ा बांध रखा है ना ये नया ट्रैक्टर है बिल्कुल, अभी 2 दिन ही हुए हैं इसके, आप धुआं वगैरह देख सकते हो। सलंसर के आगे करके भी फोन में आपको पता लग जाएगा कितना तेल खाएगा, क्या धुआं मार रहा, कितना ओवर, कितना आरपीएम ड्रॉप करके चल रहा, सब पता लगा लेता है आदमी। तो भाई ये सुपर सीटर वही ट्रैक्टर चला पाएगा जो हाई लो मीडियम में होगा, जिसपे क्रीपर गियर लगा होगा। मतलब जिस ट्रैक्टर की पहले लो में बहुत कम चाल होगी ये वही चला पाएगा भाइयों।